किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आपके काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि हमारी फसलों की ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम क्या डालें अपनी फसलों के अंदर। तो देखिए, हम बात करेंगे कि फसलों के अंदर आप क्या क्या दे सकते हैं बेहतर ग्रोथ के लिए, क्या कौन कौन से न्यूट्रिशन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए, और कौन कौन से आप जो हमारे हॉर्मोन्स हैं उनका उपयोग करके भी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, वो हम बात करेंगे। लेकिन ग्रोथ ना आने के पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो पहले आपको उनको समझना पड़ेगा कि आपकी फसलों की ग्रोथ नहीं आ रही है तो उसके पीछे का कौन सा कारण है। देखिए, ऐसे बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि आप कमेंट करें कि मेरे फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है तो मैं इस पर क्या डाल दूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डालने से आपकी ग्रोथ आ जाएगी। जो ग्रोथ हार्मोन भी हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हो सकता है उसके उपयोग के बाद भी ग्रोथ ना आए, क्योंकि उसके ग्रोथ ना आने के पीछे का एक दो नहीं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो पहले आपको उस रीजन को समझना पड़ेगा कि क्या कारण है कि ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है, उसके पीछे का कौन सा रीजन है। तो हम पॉइंट बाई पॉइंट बात करेंगे, हम आपको 7 पॉइंट्स बताएंगे कि ग्रोथ ना आने के पीछे के कौन कौन से कारण है। तो पॉइंट बाई पॉइंट 7 पॉइंट्स इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। देखिए, आप आसानी से फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे वीडियो देखने के बाद, हाँ इस वजह से ग्रोथ नहीं आ रही है, वो आप ही समझ सकते हैं अपनी क्रॉप को देख करके, फील्ड को देख करके। तो क्या क्या कारण होते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में मैंने बताए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी इसको करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। देखिए, पॉइंट नंबर 1 है हमारा कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी फसल के अंदर किसी फंगल इन्फेक्शन का अटैक है तो उसकी वजह से भी ग्रोथ नहीं आ रही है। अब आप हमें कमेंट करें और मैं कोई फर्टिलाइज़र बता दूं, तो लेकिन फर्टिलाइज़र देने के बाद भी ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि आपको उस फंगल इन्फेक्शन को रोकना पड़ेगा। तो वो जो डिजीज़ का अटैक है, जिस भी फंगस का अटैक है, वो आपको देखना पड़ेगा। ज़्यादातर ग्रोथ जब नहीं आती है, जब रूट में फंगस लग जाती है, जड़ों में फंगस लग जाती है, या हमारे प्लांट में और भी बहुत सारी जो फंगस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो देखें आप जड़ों के अंदर कोई फंगस तो नहीं है, जड़ को निकाल कर देखें कि उसमें रूट रॉट तो नहीं आ रहा है, उसमें जो हमारा विल्ट है विल्ट तो नहीं है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो देखें, एक प्लांट को निकाल लें, तो अगर ऐसा है तो फिर फंजीसाइड दें, उसको कंट्रोल करें। तो फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपकी फसल की ग्रोथ आएगी। उसके बाद हो सकता है कि कोई इंसेक्ट का अटैक, पॉइंट नंबर 2 कि हमारी फसल के अंदर इंसेक्ट का अटैक हो, स्पेशली हमारी फसल की जड़ों के अंदर कोई इंसेक्ट का अटैक हो। देखिए, जड़ों पर बहुत सारे इंसेक्ट अटैक करते हैं, जैसे कि हमारा नेमाटोड्स अटैक का अटैक होने के बाद फसल की ग्रोथ नहीं आती है, पूरी तरह रुक जाती है। तो जड़ को आपको निकाल कर चेक करना पड़ेगा, जड़ में गांठें तो नहीं है, गांठें हैं तो नेमाटोड्स का अटैक है, तो आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपकी फसल की ग्रोथ आएगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ रूट मैगोट का अटैक जड़ों के अंदर हो जाता है, वाइट वाइट लार्वा होता है जो जड़ों को खाता है, तो उसकी वजह से भी जो ग्रोथ है हमारे प्लांट की नहीं आती है। तो वो भी आपको जैसे ही रूट निकालेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस इंसेक्ट का अटैक है। तो आप उस फिर उसके लिए आपको देना है स्प्रे, यानी कि ड्रिंच से ही, अगर रूट में कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए चाहे फंजीसाइड हो चाहे इंसेक्टिसाइड हो, वो आपको ड्रिंच करना पड़ेगा। तो पहला आपको देखना है फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, दूसरा देखना है कोई इंसेक्ट का इन्फेक्शन नहीं है, वो भी स्पेशली हमें रूट के अंदर देखना है, क्योंकि ऊपर तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, लेकिन रूट्स में हमें पता नहीं चलता है, उसकी वजह से ग्रोथ नहीं आती है। तो जिस भी प्लांट की ग्रोथ नहीं आ रही है, कम बढ़ रहा है, उसको निकाल कर आप देख लें, इजीली आपको पता चल जाएगा कि कोई इंसेक्ट अटैक नहीं है या कोई फंगल अटैक तो नहीं है, तो उसको क्योर करें पहले, तभी फसल की जो ग्रोथ है वो आएगी। उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें तो वो है कि हो सकता है कि किसी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो आपके प्लांट के अंदर। न्यूट्रिशन यानी कि किसी पोषक तत्व की कमी हो। आप जानते हैं, एक प्लांट की उचित ग्रोथ के लिए, सामान्य ग्रोथ के लिए 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उसमें से कोई भी तत्व, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, उसमें से किसी तत्व की कमी हो जाए तो भी ग्रोथ नहीं आती है। तो आपको उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो आप ही पहचान सकते हैं अपनी सॉइल का टेस्ट करा करके कि हाँ, हमारी सॉइल के अंदर ये तत्व कम है, सॉइल टेस्टिंग में आ जाएगा, तो हमें उसको ज़्यादा देना है स्प्रे के माध्यम से, या सॉइल में हमें उसको देना पड़ेगा, तभी ग्रोथ आएगी। तो वो आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी फसल के अंदर इस तत्व की कमी है, या सॉइल में इस तत्व की कमी है, हमें ये देना है। देखिए, ज़्यादातर सॉइल जो मृदा हैं उनके अंदर
जो हमारा जिंक है, बोरॉन है और सल्फर है, इनकी कमी देखी जाती है। तो इनके आप ज़रूर स्प्रे ले लें, एक एक दो दो स्प्रे आप ले सकते हैं। इन तीनों में से अगर किसी की भी कमी है, या आप सॉइल टेस्ट करा लें, उससे पता लग जाएगा। तो उसके बाद आप उसको तत्व को पूरा करें तो फसल की ग्रोथ आएगी। और न्यूट्रिशन कमी डिफिशियंसी, यानी कि न्यूट्रिशन कम मिलने का कारण हो सकता है कि आपका जो सॉइल का पीएच है जरूरत से कम है, जरूरत से ज़्यादा है। तो आपको सॉइल के पीएच यानी कि मिट्टी का जो पीएच है उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। कम है तो बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तब न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो वो आपको, आप ही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉइल टेस्टिंग से। तो सॉइल टेस्ट जरूर कराएं, तो कोई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है उसको पूरा करें, तभी ग्रोथ आएगी। उसके साथ साथ हो सकता है कि आप पॉइंट नंबर 4 की बात करें, कि वो है कि हमारा एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। हो सकता है आप किसी फर्टिलाइज़र को ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, कोई भी तत्व अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, आप DAP ज़्यादा दे रहे हैं, यूरिया आप ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, या आप मान लीजिए बोरोन का स्प्रे या जिंक का स्प्रे, सल्फर का स्प्रे आप ज़्यादा ले जा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो प्लांट की ग्रोथ है वो नहीं आएगी, क्योंकि प्लांट के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। टॉक्सिसिटी होने से भी ग्रोथ नहीं आती है और उसके सिम्टम्स भी आपको प्लांट पे नज़र आ जाएंगे। तो फिर आपको देखना है कि हम ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो उसको भी कम देना है, हमें बैलेंस देना है, ना ज़्यादा देना है ना कम देना है, तभी अच्छी ग्रोथ आएगी। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हो सकता है आप पॉइंट नंबर 5 की बात करें कि एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स, जैसे कि पेस्टिसाइड वगैरह का, कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी फसल की ग्रोथ कम आती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड देंगे तो वो भी दिक्कत आती है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत सारे पेस्टिसाइड एक साथ मिला लेते हैं, वो कई कई इंसेक्टिसाइड, दो दो इंसेक्टिसाइड एक साथ मिलाते हैं, उसमें फंजीसाइड मिला लिया, उसमें कई टॉनिक मिला लिया, फिर कोई नैनो DAP वगैरह ऐसा मिला लिया, बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलाकर, प्रोडक्ट मिलाकर के एक साथ देते हैं, जिससे भी दिक्कत आती है। क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ आप देंगे तो वो प्लांट के सिस्टम में जाएंगे, तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी करेंगे और प्लांट उतने को एकदम नहीं झेल पाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, हमें कभी भी 2 इंसेक्टिसाइड को एक साथ नहीं मिलाना है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। हम क्या कर सकते हैं, एक फंजीसाइड ले सकते हैं, एक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं और एक टॉनिक ले सकते हैं, या एक कोई फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। टॉनिक या फर्टिलाइज़र में से भी एक ही लेना है, तो ऐसा ना करें टॉनिक भी मिला रहे हैं, NPK भी मिला रहे हैं, तो वो ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा 3 और वो भी अलग अलग तो हम स्प्रे कर सकते हैं, और स्प्रे भी ज़रूरत से ज़्यादा ना लें। ज़रूरत से ज़्यादा आप जल्दी जल्दी स्प्रे कर रहे हैं तो उससे भी प्लांट में टॉक्सिसिटी आती है, केमिकल प्लांट के अंदर जाते हैं तो उससे भी ग्रोथ नहीं आती है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स यानी कि पेस्टिसाइड का तो नहीं कर रहे हैं, तो वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 6 की बात करें, तो वो हो सकता है कि हमारा पॉइंट नंबर 6 है कि पुअर मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई का जो आप मैनेजमेंट है वो सही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप ज़रूरत से कम पानी दे रहे हैं तो उससे भी ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि अभी क्या है, हाई टेम्परेचर है, आप देख रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूरत से कम पानी मिलेगा तो भी फसल की ग्रोथ नहीं आएगी, प्लांट हमारा स्ट्रेस में जाएगा और ना ही प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएंगे पानी की कमी होने से भी, और प्लांट स्ट्रेस में जाने से भी उसकी ग्रोथ नहीं आएगी। तो ज़रूरत से कम पानी भी नहीं देना है, और हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे रहे हैं, कि पानी ज़्यादा भर दे रहे हैं तो उससे फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा, रूट रॉट बढ़ेगा, हमारा फ्यूजियम विल्ट बढ़ेगा, तो ये समस्या हमें देखने को मिलेंगी। तो हमें ना तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना है, ना ज़रूरत से कम पानी देना है, पानी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, जब भी फसल की ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी। पानी का मैनेजमेंट स्पेशली आपको कैसा करना है किसी भी वेजिटेबल क्रॉप के अंदर, उसके लिए हमारे चैनल पर पहले से वीडियो पड़ा है, आप वो जाकर देख सकते हैं, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि पानी हमें किस तरीके से देना चाहिए। तो पानी का मैनेजमेंट भी आपको सही रखना पड़ेगा, तभी ग्रोथ अच्छी आएगी। उसके साथ साथ हो सकता है पॉइंट नंबर 7 की नॉट सूटेबल वेदर, कि आपने कोई क्रॉप ऐसी लगा दी है कि उसके लिए जो वेदर है वो सूटेबल नहीं है, तो फिर फसल की ग्रोथ नहीं आएगी। तो हमें देखना पड़ेगा, हम जो क्रॉप लगाई है वो वेदर सूटेबल है
तो ही उसकी ग्रोथ आएगी। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही इनको आप आइडेंटिफाई करें, देखें क्या कमी है और उसको ठीक करें, तो निश्चित ही आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी आएगी। बात करें अच्छी ग्रोथ के लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र ज़रूरी होते हैं, वो आप सब जानते हैं। देखिए, एक तो हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अच्छी ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। नाइट्रोजन हमें देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। वेजिटेटिव ग्रोथ में हम नाइट्रोजन देते हैं थोड़ी उसकी, क्योंकि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उसकी ज़्यादा मात्रा होती है। ज़्यादा का मतलब ये नहीं हम जरूरत से ज़्यादा दे रहे, ज़्यादा का मतलब इतना, मतलब जितना हमारे प्लांट को रिक्वायरमेंट है। तो नाइट्रोजन हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का आप उपयोग कर सकते हैं। या हमारे जो जिब्रेलिक एसिड आता है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड भी जो हमारी फसल की ग्रोथ है उसको बढ़ाने में वो हेल्प करता है, वो तेज़ी से जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको बढ़ाता है। तो जिब्रेलिक एसिड वगैरह ऐसा जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हैं, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, या कोई टॉनिक भी आप फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, इससे फसल की ग्रोथ अच्छी आएगी। तो ये हम कर सकते हैं, या NPK जो फर्टिलाइज़र हैं वो हम दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या इनकी कमी के कारण ही फसल की ग्रोथ नहीं आ रही है, कोई और रीज़न है, वो रीज़न चेक करना पड़ेगा, तभी उस रीजन को ही ठीक करेंगे, तभी आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज अच्छी ग्रोथ नहीं आएगी, आप कुछ भी डाल लीजिए, समस्या और बढ़ती चली जाएगी। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूँगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।